हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए 80 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये सॉल्व पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने 80 क्वेश्चन और बहुत सारे डाल चुका हूँ। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और मेरी नए जो वीडियोज हैं उसको आप पहले प्राप्त करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। और चलिए, मैं इससे पहले बहुत सारे जो है 1 to 80 क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुका हूं। आज देखेंगे फिर से 80 से पूरे 125 क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और ये सॉल्व पेपर है, ये महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न उत्तर है। चलिए शुरू करते हैं। शिफ्टिंग का संबंध है, तो शिफ्टिंग का क्या संबंध होता है बास्केटबॉल से, ठीक है, ये मैंने बता चुका था लास्ट वीडियो में। उसके बाद है पार्सिओर्कर रोग किस तत्व की कमी से होता है, तो ये होता है आपका प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है और इसकी कमी से शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से पार्सिओर्कर एवं मरास्मस नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो है मांसपेशियों को सुदृढ़ व सुडौल रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो ये कारक है आपका चौथा उत्तर है उपर्युक्त सभी में, जो है व्यायाम, भोजन, विश्राम सभी होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर है मोच के तुरंत उपचार के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त जो है की जाती है, तो ये है आपका मालिश, ठीक है। मोच के तुरंत बाद मालिश होता है या आपका आइसिंग किया जाता है, ठीक है, रेस्ट आइसिंग, उसको जानते होंगे राइस, ठीक है, इसको बहुत बार पूछा जाता है राइस को। मोच के तुरंत बाद के लिए मालिश का विधि किया जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन है थोड़ा से, फुटबॉल में विरोधी टीम को प्रत्यक्ष की कब नहीं दी जाती है, तो कब नहीं दी जाती है, चलिए देखते हैं। आंसर है आपका अनजाने में बॉल हाथ से छूने पर ये नहीं दिया जाता, ठीक है। इसमें क्या है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट किक नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथों और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है, तो ये गति होती है आपकी जो है आई थिंक दोलन गति कहते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन जो है हाथों और पैरों में जो है आप कोणीय गति होगा। यहाँ पर देखते हैं, चलिए, तो ये आपका हाथ और पैरों में ये उत्तर सही हो जाएगा, कोणीय गति। एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, ऑक्सीजन जो है आपका आवश्यक होता है। एरोबिक सहन शक्ति वाले व्यायामों में ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो यह है आपका प्रकाश पादुकोण, ठीक है, दीपिका पादुकोण के पापा, ऐसे याद रखेंगे। 1980 में चैंपियनशिप का एकल खिताब जीता था और ठीक है, ऑल इंडिया बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय है। स्टिप्सिन या लाइपेज वसा को ग्लिसरीन के रूप में कहां पर परिवर्तित किया जाता है, तो ये होता है आपका अमाशय में। अमाशय में एंजाइम की मात्रा बहुत कम होती है और लाइपेज इमल्सीकृत वसाओं को वसा अम्लों तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है और अमाशय में भोजन 4 घंटे रहता है और इस बीच अमाशय में मंथन एवं क्रमाकुंचन गतियां प्रारंभ होती है और इस प्रकार भोजन पक्वाशय में पहुंच जाता है। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था, तो इसको जो है एससी बक ने शुरू किया था और इन्होंने ही जो है YMCA की स्थापना किया था और इसका जो है 1920 में किया गया था और YMCA फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन कॉलेज होता है, ठीक है।
शारीरिक शिक्षा की उच्च शिक्षा में इस संस्थान ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, नेतृत्व के प्रदान किया, ठीक है, नेतृत्व प्रदान किया। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम जो है फीमर है, ये सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत लिख दिया है, मजबूत तो नहीं है, सबसे लंबी हड्डी है और मजबूत भी चलिए कहेंगे, और एक और है हड्डी जिसे सबसे मजबूत बोलते हैं, जैसे कि आपका दांत वाले हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल होती है, ठीक है, यहाँ देखिए मैंडिबल हड्डी है, और जो है सबसे लंबी होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंडिबल दिया है, ये होना चाहिए था उत्तर, हाँ सॉरी वन ही दिया है, गौर नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी का ये जो लंबी है फीमर जो है सबसे लंबी होती है ना, ये इसको याद रखिएगा, इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है, तो किस तत्व के कारण होता है, इसमें आपका सोडियम और कैल्शियम दोनों होना चाहिए, तो यहाँ कैल्शियम एक ही दिया है, तो उत्तर चौथा है, हड्डी का कड़ापन कैल्शियम नामक तत्व के जो है कैल्शियम और फास्फोरस होता है ना तत्व के कारण होता है, और अस्थि एक ठोस कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है, और इसके मैट्रिक्स में कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है लवण पाए जाते हैं, तथा इसके अस्थि सॉरी इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु व्यवस्थित रहते हैं, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवणों की उपस्थिति के कारण ही अस्थियां कठोर होती है। अर्जुन अवार्ड का प्रारंभ किया तो 1961 में किया गया था, ठीक है, इसके बारे में देख लीजिएगा इसको, और ऊपर में दो क्वेश्चन हो गए ये सेम टू सेम। भारत में दोनों पोलों के बीच की दूरी होती है, सॉरी सॉरी वॉलीबॉल में ध्यान कहीं और है। दूसरा है इसका आंसर है 10 मीटर दिया है, लेकिन ये आई थिंक चलिए इसको थोड़ा से देखते हैं, तो ये जो होता है आपका 10 मीटर होता है, इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लाइन बना होता है, यहाँ पर पोल गड़ा होता है और यहाँ पोल गड़ा होता है, ठीक है, यहाँ जो पोल के बीच में जो लाइन होती है ये 50 सेंटीमीटर होता है, तो दोनों साइड 50-50 सेंटीमीटर और 9 मीटर इसका जो है चौड़ाई होता है, ठीक है, 9 और 50-50 सेंटीमीटर मिला देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा, तो ये 10 मीटर होता है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो चलिए ठीक है, ये हो गया आपको 50-50, तो ये हो गया आपको वॉलीबॉल में दोनों पोलों के बीच की दूरी 10 मीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कौन सा होता है आपको, कैल्शियम फास्फेट जो है ये होता है, सॉरी हड्डी में कैल्शियम नामक लवण पाया जाता है, शेष जानकारी हेतु प्रश्न संख्या 91 उत्तर देखें, सॉरी इसको लुसेंट सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 441 441, ठीक है, और भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, सभी को। लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1957 ईस्वी में, सभी को पता है, देख लीजिएगा इसको, पढ़ के प्रथम प्रिंसिपल रहे पीएम जोसेफ थे, और ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं।
कितने मीटर की दौड़ में हीट की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये 10 जो है 1000 मीटर में इसमें कहाँ करेंगे, तो बाकी छोटे दौड़ है 100 200 400 इसमें हीट्स लगाने पड़ते हैं। हीट्स क्यों दिया जाता है, क्योंकि संख्या जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। ट्रैक लाइंस कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ट्रैक में 400 के, इसीलिए हीट्स लगा के उसको जो है नंबर हीट्स के द्वारा आपका जो है ट्रैक का नंबर भी निकालते हैं, ठीक है। इसके बारे में हो सके तो मैं एक आध वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। रुधिर दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है, तो इसका है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमैनोमीटर है और सामान्य व्यक्ति में रक्त दाब होता है। सिस्टोलिक जो है यहाँ पर दिया है मेरे को, ये 110 से 130 होता है, लेकिन जो एकदम मान्य है 120, ठीक है। और डायस्टोलिक जो है 70 से 80, तो 80, तो इसको 120 बट्टा इतना मानते हैं। बाकी ये उत्तर सही है, 110 से 130 आपका सिस्टोलिक हो सकता है और 70 से 80 आपका डायस्टोलिक होता है, लेकिन आप इसी को मानेंगे, 120 से 80 होता है। ये क्वेश्चन में आपका यही पूछेगा अगर ये आ गया तो। विटामिन डी की कमी से रोग होता है, तो ये क्या होता है आपका, रिकेट्स, ठीक है। सी से स्कर्वी होता है, कई बार बताया मैं इसका, तो अच्छा से याद करने का तरीका भी बताया था। चलिए, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS किस वर्ष में शुरू हुए हुई थी, तो ये हुआ था आपका NSS जो हुआ था 1969 में हुआ था, ठीक है, 1969, 3 आंसर सही हो जाएगा। भारतीय उड़न सिख खिलाड़ी का नाम है, सभी को पता है, चलिए इसको, मिल्खा सिंह। और इसके बारे में देख लीजिए, 400 मीटर के धावक रहे बहुत अच्छे, ठीक है। और इन्होंने गोल्ड मेडल लाया था अपना भारत का पहला, जिसमें इसमें कॉमनवेल्थ में, ठीक है, तब से फेमस थे। एथलेटिक में अर्जुन पुरस्कार विजेता है, तो ये है आपके उपयुक्त सभी हैं, प्रवीण कुमार, बहादुर सिंह, और ये पुराने क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन जो है अभी मैं आपको बता दूंगा, जैसे पुराना रहेगा तो अभी का लेटेस्ट आ सकता है, ये तो बहुत पुराना है, क्वेश्चन सीरीज भी पुराना है, लेकिन क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है इसमें, कि जितने आप देख रहे हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित हुआ था, तो किस वर्ष यानी प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 1985 में है ना, तो तीसरा आंसर हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, ये द्रोणाचार्य किसके लिए क्या क्या दिया जाता है, धनराशि कितनी होती है, पहले इसका धनराशि बहुत कम था, अभी उसको 5 लाख कर दिया, 3 लाख था इसका, 5 लाख हो गया है, ठीक है। किस रोग से शरीर के अंग जो है सूज कर मोटे हो जाते हैं, तो इसमें आपका फाइलेरिया से है ना, फाइलेरिया से होता है। और इसके बारे में थोड़ा देखते हैं ये क्या है। फाइलेरिया रोग का कारक जो है बाउचेरिया बैक्रोफ्टाई होता है, और किसी मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, और इसके कारण शरीर के अंग जो है सूजकर बहुत मोटे हो जाते हैं, ठीक है। विशेषकर पांच तथा लार ग्रंथियां, इसलिए इस रोग को थोड़ा सा दिखाई दे रहा है सभी, क्या पांच है या क्या है ये भी कहते हैं। रोग की जो है शुरुआत के साथ तेज बुखार होता है, और इसको याद रखिएगा, बस थोड़ा सा ये दिख नहीं पा रहा है, और रोग के थोड़ा सा समझूंगा तो मिल जाएगा ये, चलिए देख लीजिएगा उसको। खो खो में स्वतंत्र क्षेत्र की चौड़ाई होती है, तो इस क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है और मैं बता चुका हूँ, तो कितना होता है इसका जो है आपका तीसरा आंसर है 275, पहले था ये है ना, अभी ये हो गया है 1.5 यानी 1.50, ठीक है, तो ये बहुत कम हो गया है दोस्तों। और ये जो फ्री जोन भी कहते हैं इसको, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, पहले 2.75 जब 29 मीटर हुआ करता था
तब 29 से पहले और कितना हुआ करता था, 40-10 होता था, बहुत ही अजीब टाइप का था। उसके बाद 29-16 हुआ, 29 के बाद अभी 27-16 हो गया है जो सीनियर है खो खो। और इसका जो आपको फ्री जोन एरिया है पोल से, यहाँ जैसे पोल है, पोल से यहाँ आपको फ्री जोन है, ये वाला एरिया आपका बहुत कम हो गया है। 16 पहले 2.75 हुआ करता था, फिर उसके बाद 2.50 हुआ, उसके बाद अभी 1.50 हो गया है, बहुत कम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 106 से मैं नया वीडियो में लेकर आऊँगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।